आखिर किस पॉपुलर कपल ने और आखिर किस पॉपुलर कपल ने जिन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी, आखिर क्या एलिगेशन लगाया उन्होंने बिग बॉस पे, और यही नहीं बल्कि क्या क्या सवाल उठाए हैं, और उनके हिसाब से बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं है, और प्रियंका चार चौधरी जो है वो बिग बॉस सीजन 16 के विनर क्यों नहीं बनी, और एमसी स्टैन कैसे विनर बन गए, और चैनल जो है मतलब चैनल यानी कि एंड मॉल शाइन या फिर कलर्स किस तरीके से कंटेस्टेंट्स को मतलब क्या क्या चीज़ें बताता है और किन किन चीज़ों पर फोर्स करता है, अगर कौन से बॉलीवुड के कपल हैं जो खुद बिग बॉस में भी थे और उन्होंने अब इस चीज़ का खुलासा किया है, और जिस तरीके से खुलासा किया है भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ही बता दी हैं, तो आखिर क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, क्या क्या बातें बोली है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांडू। एक चीज़ बहुत साफ है कि बिग बॉस को लेकर ना हमेशा से चाहे वो कोई भी सीज़न हो बहुत ज़्यादा बस बना हुआ होता है, इंतज़ार होता है बिग बॉस का। जैसे अभी अभी बिग बॉस सीजन 16 ख़त्म हुआ और अब लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है बिग बॉस 17 को लेकर, लेकिन आपको बता दूं कि ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है। इवन रूबीना दिलेक जो खुद बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं, उनका भी एक वीडियो था, एक छोटा सा पार्ट था, कहीं इंटरव्यू दे रही थी वो, जहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, जिस पर उनका रिप्लाई वही था कि होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन ये चीज़ अभी फ़िलहाल रूबीना को लेकर नहीं है। सीज़न 7 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके विनर गौहर खान थी, तो सीज़न 7 में दो कंटेस्टेंट्स आए थे, अपूर्वा और शिल्पा, जे मतलब अपूर्वा अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री, ये दोनों भी बिग बॉस के सेलिब्रिटी कपल थे, दोनों को बहुत पसंद भी किया गया था, ऑनरेबली खेला तो दोनों अपना अपना गेम, लेकिन इस बार शिल्पा जो है उनका मानना था, एक ब्लॉग उन्होंने शूट किया है उसमें वो सच्चाई बता रहे हैं, तो शिल्पा का ये मानना था कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन अपूर्वा का ये कहना था कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड होता है 101% स्क्रिप्टेड होता है, जबकि शिल्पा ने चीज़ें बताई कि चैनल जो है वो बार बार फोर्स करता है शिल्पा और अपूर्वा ने कि मतलब बार बार बोलता है कि फ़ाइट करो, अपना ओपिनियन रखो, रिएक्ट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, कंटेंट दो, और ये सारी चीज़ें की मांग होती है चैनल की। और यही नहीं बल्कि इस सीज़न शायद चैनल वालों ने स्क्रिप्ट ही चेंज किया यही सोच करके, अब लोग जो हैं वो अब उनको पता चल गया था कि बिग बॉस का गेम क्या होता है, वो प्रिडिक्ट करने लगे थे, इस वजह से इस सीज़न प्रियंका चार चौधरी नहीं जीती और विनर जो है वो एंड मोमेंट पर चेंज किया गया है, मतलब एंड मोमेंट पर, यानी समझ रहा हूँ कि डिसाइडेड था पहले कि प्रियंका चार चौधरी जीते, लेकिन अचानक से एमसी स्टैन को जिताया गया, एंड मोमेंट पर स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई कि जनता प्रिडिक्ट ना कर पाए और जनता को एक शॉकिंग खबर मिले, लेकिन ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड ही होती हैं ऐसा इन दोनों का मानना है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।